सोनकक्ष में सीएम राइस स्कूल की स्वीकृति मिलने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया, जिसका विरोध करते हुए 29 मार्च से समाज संगठनों ने 10 दिनों तक आंदोलन किया। बता दें कि आंदोलनकारियों में मुख्यमंत्री जागो जैसे नारों के साथ हाथों में तख्तियां लेकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां पर सीएम राइस स्कूल की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। वहीं 10 दिनों तक मांगे पूरी नहीं होने पर फिर से आंदोलन करने की चेतावनी दी। जो सीधा आरोप मुख्यमंत्री शिवराज चौहान पे लगाता हूं कि उन्होंने ये स्कूल काट के बागली, जहां बीजेपी का विधायक है वहां पे दे दिया। हुआ 3 स्कूल हो गए, कन्नौज खाते गांव में 3 स्कूल, लेकिन सोनगंज विधानसभा में क्योंकि कांग्रेस का विधायक रहता है और वो विधायक जो विधानसभा के सत्र में विधानसभा के भवन में तुम्हारी नाको चने चबवाता हो, तुम्हारे खिलाफ विधानसभा में भाषण देता हो, ये तो लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र के दोनों पहिए सही चलेंगे। मैं अपने क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश की उन गरीब आवाजों को भी मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठाता हूं। जो सीधा आरोप मुख्यमंत्री शिवराज चौहान